वाहेगुरु जी की फतेह। आप लोग देख रहे हैं गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पचपौली नागपुर फ्री लंगर सेवा। जो लॉकडाउन चल रहा है नागपुर में, पूरे देश में, तो इस नागपुर शहर की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार से कम 12,000 लोगों के लिए लंगर सेवा फ्री में दी जा रही है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं जसमीत सिंह भाटिया जी से कल रात को मैंने फोन पे बात की और मैंने इनसे कहा कि सर आप लोग इतना सुंदर आयोजन कर रहे हो गरीबों के लिए, अभी बेजुबान कुत्ते जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सेवा मिल नहीं पा रही है, तो आपकी तरफ से क्या योगदान दे सकते हो। इन्होंने कहा बिल्कुल आप बताइए। तो आज इन्होंने ये 60 किलो आटे की रोटियां हमें बनवा कर दी है और कल से लेकर 100 किलो आटे की रोटियां, और इन्होंने कहा कि आपको जैसी रोटियां चाहिए वैसे देंगे। तो मैंने इनको कहा कि दूध और शक्कर का और पानी का घोल ताकि थोड़ी मीठी रोटियां बने तो कुत्ते खुशी से खाएंगे। तो ये सेवा इन्होंने हमको आज से उपलब्ध कराई है, ये तब तक चलेगी जब तक लॉकडाउन नागपुर में रहेगा। तो बेजुबान जानवरों के लिए फिर एक बार गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सामने आया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक देव जी की और उनके अनुयायियों की। जसमीत सिंह भाटिया जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बेजुबान जानवरों की तरफ से। और आप कुछ कहना चाहें तो बराबर हमको बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आपका जैसे कल फोन आया और आपने बताया कि मेनका गांधी जी के आप संस्था से मिलके काम करते हैं, मेनका गांधी जी ये संस्था चला रही हैं। बिल्कुल। तो हमें भी जब अपन इंसानों को खिला रहे हैं और बेजुबान पशु या जानवर भूखा रह जाए ये भी हमें पसंद ये नहीं है, हमने इसके लिए ये आपको सेक्रेटरी साहब बताएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इस वक्त अपने यहाँ के मुख्य सेवादार जसमीत सिंह जी भाटे के और गुरु नानक दरबार की तरफ से एक बहुत प्यार भरा संदेश देना चाहूंगा। अभी तक तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हमने ये एक आह्वान सुना था कि गरीब लोग भूख से तड़प रहे हैं, उनकी जरूरत पूरी की। आज एक बड़ी इतिहास के अंदर एक नया अध्याय जुड़ गया कि आज बेजुबान जानवरों की भी रहनुमाई करने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने भी इस गुरु नानक के घर को एक संदेश भेजा है, एक प्यार भरा एक पैगाम भेजा है कि हमें उन बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ आप कीजिए और उनके लिए भी हमारे को कुछ ना कुछ अन्न दाना कीजिए। तो ये मैं कहता हूँ इस गुरु नानक के घर की बड़ी सिफ्त सलाह है कि जहाँ जीते जागते हर एक पशु पंछी से जीव आत्माओं को हम प्रदान कर रहे हैं, आज बेजुबान जानवरों की भी इस घर ने इस दर ने उनकी फरियाद भी पूरी की है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये जब भी पुकार आएगी ये घर हमेशा तत्पर रहेगा और अपना बड़ा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज सभी को आह्वान करती हूँ पूरे देश के गुरुद्वारों से कि आज जैसे नागपुर गुरुद्वारा जानवरों के बेजुबान जानवरों के लिए लंगर सेवा देने के लिए जिस तरह उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया है। T5 चैनल पंजाबी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।